हाय, दिस इज़ आकांक्षा सहगल और आज हम आपके पेशे खिदमत करेंगे कुमार बारा बंकवी जी की एक गज़ल। कुमार बारा बंकी के रहने वाले थे और कुमार उनका तखल्लुस था। उनका नाम मोहम्मद हैदर खान था। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं 1950s के टाइम पे। और एक गाना है जो सबने बेशक सुना ना हो पर अपने बड़ों को सुनते हुए ज़रूर सुना होगा कि तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। ये उनकी गज़ल है आज जो मैं सुनाऊँगी। तो अर्ज़ है कि हाले गम उनको सुनाते जाइए, हाले गम उनको सुनाते जाइए, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए। आपको जाते न देखा जाएगा, आपको जाते न देखा जाएगा, शम्मा को पहले बुझाते जाइए। शुक्रिया शुक्रिया लुत्फे मुसलसल का मगर, शुक्रिया लुत्फे मुसलसल का मगर, गाहे गाहे दिल दुखाते जाइए। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, उन चिरागों को बुझाते जाइए। हाले गम उनको सुनाते जाइए, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए। तो ये मेरे हिसाब से उन्होंने लिखी होगी कि जब आपको एक रिश्ते को ख़त्म करना हो और वो रिश्ता खाली बुरी यादों का ना हो, जिसमें बहुत एक फेयर शेयर ऑफ हैप्पी मेमोरीज हो, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजंस व्हाट्स एवर यू हैव टू लीव, यू हैव टू लेट द पर्सन गो। सो वो कहते हैं कि हाले गम उनको सुनाते जाइए, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए। कि ये कितना मुश्किल है कि जब आप किसी से विदा ले रहे हो तो मुस्कुराते हुए उससे विदा ले पाओ। वो कहते हैं कि हाँ अपना गम सुना दो, अपने दिल का भार हल्का कर दो, पर जब जाओ तो मुस्कुराते हुए जाओ। ऐसे भी हमारी मम्मी कहती हैं कि रोते हुए बाय नहीं कहना चाहिए, तो शायद उन्होंने भी इन्हीं से ही सीखा कि जाते जाते खुशी से जाओ पर अपने गिले शिकवे भी कह जाओ, दूर तो शायद नहीं होंगे कह जाओ। फिर वो कहते हैं कि आपको जाते ना देखा जाएगा, शम्मा को पहले बुझाते जाइए। कि आई नॉट बी एबल टू सी यू व्हेन यू विल बी लीविंग, सो डू मी अ फेवर एंड सारे जितने भी चिराग जल रहे हैं ना सबको बत्तियों को बुझा दो, सब चिरागों को बुझा दो और तब जाओ ताकि मैं तुम्हें जाते हुए देख ना पाऊँ। फिर वो जाने वाले को ये भी कहते हैं कि शुक्रिया शुक्रिया लुत्फे मुसलसल का मगर। लुत्फे मुसलसल का मतलब एक कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस, मुसलसल इज़ कॉन्टिन्यूएशन, लुत्फ इज़ मज़ा। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहने में मुझे एक भरपूर एक खुशी वाला मुझे एहसास रहा है, उसके लिए थैंक यू। पर गाहे गाहे दिल दुखाते जाइए। गाहे गाहे इट्स लाइक लखनऊ में बहुत कहते हैं कि गाहे बिकाहे मिल लिया करो, तो गाहे गाहे मतलब कि कभी कभी समटाइम्स आते जाते हैं। कहते हैं कि गाहे गाहे दिल भी दुखाते जाइए। फिर वो जाने वाले को शायद एक सलाह दे रहे हैं, एक जीवन का लेसन दे रहे हैं कि तुम्हें पता है दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। कहते हैं कि ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर शायद जस्ट टू ऐड कि वो ये कहना चाहते हैं कि आपको तकलीफ वही पहुँचाते हैं जो आपके बहुत अपने होते हैं और जिनको आपसे आपको जिनसे उम्मीद होती है, और इसलिए जो दुश्मन है उसने दुश्मनी ही करनी है। पर शायद वो हर बार दुश्मनी ना करें, कभी अपने किसी दोस्त से आप पूछेंगे कि
वो आपके किसी काम आ सकते हैं, वो मना कर दें तो आपको एहसास होगा कि आप दुश्मन से ज़्यादा प्यार कर सकते हैं दोस्तों के कंपैरिजन में। तो शायद वो एक यहाँ पे एक सलाह दे रहे हैं। और फिर वो दोबारा उस जाने वाले से आखिरी शेर में कहते हैं कि रोशनी रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार। महदूद का मतलब कंस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड। कहते हैं कि रोशनी महदूद हो जिनकी खुमार, उन चिरागों को बुझाते जाइए, कि जिन चिरागों की, जिन लोगों की भी, मे बी शायद रोशनी हैज़ बीन यूज हेयर मेटाफोरिकली, कि रोशनी इज़ द हैप्पी थिंग्स दैट यू शेयर विद अ सर्टन पर्सन, नाइसर मेमोरीज। इफ दैट पॉजिटिव एनर्जी इज़ लिमिटेड देन लेट इट गो। वो कहते हैं कि उन चिरागों को बुझाते चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही सुंदर सी गज़ल है, जिसमें एक बहुत ही दर्द वाली बात, एक ह्यूमन इमोशन शेयर किया गया है, बयां किया गया है, पर वो भी इस तरीके से कि सिर्फ दर्द ना हो, सुख हो, मुस्कुराहट हो, उस प्रेम का शुक्राना हो, और सलाह भी हो कि तुम जाते जाते सुखी रहो, और जहाँ रहो कुछ इन कायदों को, अपनी पुरानी सीखों को याद रखो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अलविदा।